अरे भूत नाम सब बहुत लोग रहता हूँ प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने उन्होंने एक संगनी प्रभु के पवित्र वस्तु में एकत्र होकर के प्रभु का वचन को सीखने के लिए पूरे मौका दिया। प्रभु और उसका वचन ये बहुत महत्व की बात है। आज प्रभु का वचन का महत्व बहुत लोग नहीं समझते, लेकिन एक समय में जब समझ आएगा तब वह समय पार हो जाएगा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक चेतावनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्र तीसरा अध्याय का 14 वचन कहता है यदि हम उस क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंततः पूर्णता से स्थिर रहे। देखिए यहाँ पर यह वचन क्या बोलता है, अगर हम अपनी प्रथम भरोसे में या प्रथम विश्वास में हमारा आरंभ की विश्वास में अंत तक बना रहने वाला यीशु मसीह में भागीदार है। अभी उसका उल्टा पढ़कर देखिए, जो प्रभु का मतलब प्रथम भरोसे में नहीं रहता उसको प्रभु के साथ कोई भागीदारी नहीं। देखा कितना खतरनाक बात है प्रियो है। हमारे जीवन में प्रभु में जो विश्वास, वो विश्वास में कभी भी हमें कमजोर होने ना देना है ना। अभी विश्वास में हमें मजबूत बनना, विश्वास में हमें बढ़ते जाना, विश्वास में हमें सामर्थ्यवान बनना है ना। किसी प्रकार भी अगर विश्वास में हम पीछे हट जाएगा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल बहुत खतरनाक चेतावनी हमें देता है ना। उसी इब्रानियों के 10 अध्याय में उसका 37 से 39 तक क्या बोलता, देखिए अभी ज्यादा समय इन बातों के लिए है भी नहीं, बहुत ही थोड़ा, मतलब थोड़ा समय रहेगा ऐसे नहीं, बहुत ही थोड़ा समय। इसका मतलब क्या है, अभी हमें मिला हुआ समय का गौरव मतलब बहुत गौर से समझना चाहिए। अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना नहीं करेगा, देखा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखा ये कितने शक्ति ज्यादा भी नहीं है, अगर वो विश्वास में बना रहेगा तो प्रभु प्रसन्न रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरे मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। हाँ देखा हम लोग कितने लोग ये बात को गवाही देंगे, हम हटने वाले नहीं, हम किसी प्रकार भी विश्वास में से पीछे नहीं जाएंगे। कितना भी प्रतिकूल आने दो, भर दो हम प्रभु को महिमा दे करके प्रभु में रहेगा और प्रभु का महिमा करते रहेगा। ऐसा कितने लोगों निर्णय किसी भी कारण है। आपको मालूम है हमारे जीवन में विश्वास में बढ़ने का एक ही मौका संगति है। आज हमारे आत्मीय जीवन में गिरावट आता है तो एक ही कारण है, उनको संगति नष्ट होता। प्रियो संगति नष्ट होने नहीं देना। उसी दस अध्याय में इब्रानियों उसका 24-25 वचन क्या बोलता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है। देखिए कई लोगों का रीति मतलब क्या है कि अंत समय में विश्वास त्यागी लोग हमारे बीच में रहकर दूसरे के लिए टॉकर बन करके ऐसा काम करेगा। वे लोग एक विश्वास का दौड़ नहीं दौड़ेगा, एक आदर्श का दौड़ नहीं दौड़ेगा। उनको देखने वालों को देखेगा, अरे वो तो कभी कभी आता है, हम तो मतलब ज्यादा आता है, ऐसे ऐसे सोचेगा। देखिए प्रभु का वचन क्या बोलता है, हमारे जीवन में एक भी संगति नष्ट करना वो व्यक्ति के लिए आत्मीय जीवन में विश्वास में कमजोर पड़ने का कारण बनेगा, आत्मीय जीवन में उन्नति पाने में रुकावट आएगा। और वहां पर चेतावनी क्या दिया, पर एक दूसरे को समझाते रहे। देखिए एक दूसरे को समझाते रहना और जो जो दिन को निकट आते देखो। अभी हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ा समय रह गया, अभी यहाँ पर वो वचन बोलता है जैसे जैसे प्रभु के आगमन का निकट आते हुए देखा जो जो और भी अधिक किया करो। क्या करना चाहिए, अधिक किया करना। प्रियो हमारे में किसी कारण भी संगति नष्ट करना बोलेगा तो इसका गौरव जानना,
का गौरव जानना, हम एक दूसरे को समझाते हुए प्रोत्साहन करते हुए उन्हें मसीह में जीतना है, उनके लिए एक आदर्श बनना, किसी कारण भी संगति को लापरवाही करने वाला एक विचार तक अंदर घुसने नहीं देना। मैं कई बार आपको पिछले दिनों में भी पढ़ाया वो बात है, विश्वास कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा, विश्वास हमें मतलब बहुत से आशीष पाने में रुकावट पड़ेगा। वही इब्रानियों 4 का तो हम लोग कई बार पढ़ा हुआ शब्द है, सुने हुए वजन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्यों नहीं हुआ, प्रियो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जो प्रभु के वचन सुनते हैं, क्या हम उस वचन ऐसा ही होने वाला है करके विश्वास करता है, है? प्रियो कई बार आपको मालूम है विरोधी का एक ही लक्ष्य क्या है, प्रभु का वचन सुनने के समय में भी हम वचन पर ज्यादा गौर ना दे। विरोधी क्या करता है, देखो जहां पर मतलब प्रभु का लोग इकट्ठा होता है वहां पर विरोधी का भी काम होता है। विरोधी क्या काम करता, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन, देखा उन पर ना चमकने के लिए, बोलने का मतलब ये वचन जो आएगा वे लोग ना समझे, उसको अमल ना कर पाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये वजन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया वजन है, ये वजन के द्वारा सबका न्याय होने वाला है। हम इस वजन को सिर्फ जानना नहीं उसको मानना है, बहुत उत्साह से मानना। ठीक है, विश्वास नहीं करने वाला उनको उसका लाभ नहीं हुआ। आज हम जो वजन सुनता है ये वजन हम विश्वास से सुनता है क्या, है? ठीक है, एक बार धोखा होने के बाद में फिर शायद उनको ये समझना भी कठिन हो जाता है, बहुत खतरनाक अवस्था मिल सकता है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लूका उसका 16 अध्याय का 31 वचन में वो जो धनी व्यक्ति को अब्राहम पिता कहने वाला एक बात है, मैं आपको बताऊ बहुत गौर से समझने वाला बात है प्रियो। उसने उससे कहा, जब वे मूसा भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखा क्या मतलब, उस समय तक क्या था, उस समय तक पूरा पुराना नियम था, यीशु मसीह के दिनों में तक पूरा किताबे मतलब था, है ना, तो यहूदियों का हिसाब से नंबर कम था, 22 किताब था, लेकिन ये 39 किताब उसके अंदर है, ऐसा बात। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें ये बात को जानना है कि उस समय में अब्राहम पिता उसको कहता है, देखो अगर अब मोशे और पुरोहितों के द्वारा लिखा हुआ किताब तुम्हारे पास है ना, अभी वो अमीर व्यक्ति है उसके पास भी था, उसके घर में भी वजन था, वो वजन जानता था, नहीं तो भी लोगों को में उस समय में 12 साल का उम्र तक के लोगों को पूरा बहिया कर देते थे, है ना, उनको वजन नहीं जानता था, ऐसे कोई कमी नहीं था। लेकिन हम देखता है वो व्यक्ति कहां गया, आप देखिए जब उस आग में तड़पने के समय में वो व्यक्ति मतलब अब्राहम को क्या बोलता, अब्राहम को क्या क्या पुकारता, आप देखिए मतलब उसका 24 है, देखा हे पिता, देखा हे पिता अब्राहम, कैसा पिता को रहम नहीं आएगा, थोड़ा भी चांस है तो थोड़ा भी अवसर है तो उनको बचाने का कोशिश करता है, हे पिता अब्राहम। अभी वो मतलब आग में चिल्ला रहा है, अभी आप देखो कितना भी बदमाश बच्चा क्यों ना हो, बच्चा अगर आग में तड़पते हुए अपाह पुकारेगा तो पिता अपने जान को भी खतरा में डाल के जाएगा मदद करने के लिए, पर तू मरने के बाद में किसी प्रकार में मदद होता ही नहीं, प्रियो पिता मदद करना चाहेगा तो भी नहीं होगा, इसका सीरियसनेस समझना, इसका गौरव समझना। अभी जीते जीते इस वजन का महत्व ना जान करके कैसे भी टाइम पास के लिए अपन वजन सुनेगा, है बहुत कुछ मालूम कर दिया और तो अमल नहीं किया, प्रियो एक दिन अचानक मृत्यु आएगा, मरने के बाद में कोई भी हमको किसी प्रकार का भी मदद नहीं कर सकता। अभी वो यहां पर
आग में तड़पते हुए अब्राहम पिता को बोलता है, क्योंकि वो भी एक यहूदी था, है अभी मैं यहूदी है, मैं नरक में नहीं जाएगा बोलकर कोई रहेगा तो ऐसा है क्या? नहीं, परमेश्वर की वचन के खिलाफ में जाने वाला जाएगा ही प्रियो है। इसलिए वचन को बहुत सीरियसली समझना बहुत जरूरी है ना। उसके मनुष्य 25 वचन पढ़िए। देखा अब्राहम ने क्या कहा, हे पुत्र, पर तू मेरा पुत्र है। अभी ये बोला पिता, हाँ पिता है, पिता बोलता है मेरा पुत्र, पुत्र है। देखा पिता भी है पुत्र भी है, परंतु अभी समय पार हो गया, समय पार हो गया, क्या करेगा है? तू मेरा पुत्र जरूर है, अभी मैं क्या करूं है? वो भजन दिया था ना, वो भजन सुना था ना, भजन मानना था ना, भजन जाना था ना। देखिए उसके आगे उसका 27 वचन, देखो वापस अभी पिता से रिक्वेस्ट कर रहा है, ये पिता ठीक है, अभी लाशर इधर नहीं आ सकता, मैं उधर नहीं आ सकता, आप भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक और एक निवेदन, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पास भाई है, वो उनके समान इन बातों की गवाही दे। देखिए अभी ऐसा करो पिता, मैं उधर नहीं आ सकता, उधर से लाशर इधर नहीं आ सकता, तो भी एक बात करो ना, एक काम करो ना, उसको अपना मतलब मेरा भाइयों के पास भेजो, पिता के घर में, इतना तो कर सकता है ना, ठीक है, इधर नहीं आ सकता, नहीं आना। प्रेज लॉर्ड, आप देखो प्रियो है, यहां पर का विषय देखिए, उस समय में भी वो क्या समझाता है, उसका 30 वचन, उसने कहा देखो कैसा पिता को ये समझाने की कोशिश कर रहा है पिता, प्लीज ये मरे हुए से ये जाकर के बोलेगा ना, जरूर लोग विश्वास करेगा, जरूर विश्वास करेगा, पिता अभी तो मानो ना। देखो कैसे कैसे बिंदी होता है प्रियो, इतना क्यों तक नहीं पड़ाता प्रियो, अभी ये वजन को मानो ना, अभी ये वजन को मान करके प्रभु के राह पर चलो ना है, ये वजन बदलेगा नहीं, ये वजन कभी नहीं बदलेगा, वजन में जो भी लिखा है वैसा ही होने वाला है। कई बात हमको समझा नहीं होगा, वो तो हमारा आत्मीय जीवन का कमजोरी है, पर जो प्रभु का वचन कभी भी बदलेगा नहीं, उसके साथ कुछ भी जोड़ा भी नहीं जाएगा, तोड़ा भी नहीं जाएगा, जैसा लिखा वैसा ही होने वाला है। अभी वो कभी उसका वो वचन दो तीस वचन वापस पढ़ना, उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए से उसके पास जाए तो मेरे मन फिराएंगे। देखा वो मन फिराएगा, देखा अभी उसको मन फिरावट का मतलब समझ में आया ना। अभी कितनी बार हम वचन सुना के बोलते हैं मन फिरो मन फिरो मन फिरो मन फिरो है, लेकिन लोग ये सुनने के बाद भी मन कठोर कर देता है, क्या करता मन कठोर करता है। मन फिरने का अर्थ क्या है, हमारा मन बदलना है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका दूसरा वचन का आखिरी भाग, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन का आ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने, मन फिरने का अर्थ मन नया हो जाना, मन फिरावट का अर्थ क्या है, मन नया हो जाना, हमारा मन नया हो जाना। एक प्रकार बोलेगा तो जैसा प्रभु देखता वैसा देखना, जैसा प्रभु देखता है वैसा देखने वाला मन पाना, इसको बोलते हैं मन फिरावट। मन फिरावट को बहुत से अर्थ है, संदूर बोझी रीति में उसका अर्थों में फर्क आ जाता है। प्रभु देखने के लायक हमारा दृष्टिकोण बदल जाना, मन है ना, फिर इस अर्थ में प्रभु ये वचन दिया उसी अर्थ से जाना जाना। देखिए यहां पर वो बिंदी किया, लेकिन हम देखते हैं उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने जीवन में समय पार होने के बाद में है, आखिर में अब्राहम पिता ने क्या बोला, उसका 31 आखिरी वचन, यदि मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनती तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसके नहीं मानेंगे। प्रियो ये वचन से बढ़कर के और क्या बात है प्रियो, इसी कारण प्रभु का वचन जो हमें चेतावनी देता है, प्रियो प्रभु का वचन में लिखा है एक बार मरना फिर न्याय का होना सब मनुष्यों के लिए नियुक्त है, मृत्यु जैसा
आपको मालूम है हर एक लोग एक दिन मरेगा, मरने के बाद में खत्म कहानी है क्या? नहीं, मरने के बाद में न्याय है। प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने सबको न्याय किया जाएगा, और उसका आधार किस बेस में? प्रभु के वचन के आधार में, ये वचन के द्वारा न्याय करेगा। देखो बहुत बड़ी बात है, कौन न्याय करेगा, किसको लेखा देना है, कैसा लेखा लेगा, किन किन बातों का लेखा लेगा, सारे बात लिखा है। आप बताओ, ये सारे बातें प्रभु ने अपने वचन में हमें प्रकाश करके देने के बावजूद भी यदि हम उस वचन को मतलब बहुत सीरियसली अगर नहीं लेगा, नहीं मानेगा, वो व्यक्ति कितना धोखा खाएगा, धोखा खाएगा। प्रभु का वचन मोड़ना या तोड़ना हमारे लिए जरूर वो नाश या धोखा की बात है। तो किसी का जीवन में दिल में ऐसा विचार या भावना तक ना होने दे। और अधिक से अधिक मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, कोई गिरने वाला हमारे लिए आदर्श नहीं है। जो प्रभु को त्यज करके चलने वाला लोग हमारे लिए आदर्श नहीं, हमारे लिए आदर्श वो जन है जो वास्तव में मसीह को जी रहा है। देखिए आज बहुत लोग ये बात को कहां तक समझा मुझे नहीं मालूम। जब मसीह के सुसमाचार दस अध्याय का 38-39 वजन, मसीह दस अध्याय का 38-39 37 से पढ़िए। जो माता या पिता जानता नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। क्या बोलते हो? वो आपको समझ में आया? मेरा योग्य नहीं, मेरा योग्य नहीं। प्रियो जिंदगी में प्रभु का योग्य कौन है? जो माता पिता से भी बढ़कर के प्रभु को सम्मान करता है, मानता है, वो प्रभु का योग्य है। ठीक है, आप बोलता है नहीं, ये भी चलेगा। ठीक है, आपके लिए चलेगा, लेकिन उस दिन मालूम पड़ेगा उसका फर्क। अरे बाप रे, ये तो मैंने नहीं समझा। ऐसा क्यों नहीं समझा? वजन आपने देखा था ना, पढ़ा था ना, आपको एजुकेशन दिया था ना, बाइबल भी दिया ना, अपनी भाषा में क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं माना? क्या उत्तर देगा? अरे अदालत के सामने नो भाई बंदी, प्रभु के न्यायासन के सामने भाई बंदी का कोलम नहीं है। यहां पर बोलता है जो भी मुझसे बढ़कर माता पिता को प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं। आगे, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। देखो, आपको ये बात आपने नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। क्या है? याद दिला रहा हूँ। कभी कभी लोग पढ़ने के बाद भी भूल जाता, तो प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर प्रभु के आत्मा बोलते हैं मेरे नाम से याद ही रहो। मैं सोचा भी नहीं, परंतु प्रभु के आत्मा बोलते हैं याद ही रहो। योग्य नहीं, योग्य है क्या? मैं योग्य है क्या प्रभु का? मैं प्रभु के लिए योग्य है क्या? और आगे, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। अभी देखिए, तीन बार उड़ाकर कहता है योग्य नहीं, योग्य नहीं, योग्य नहीं। कौन कौन योग्य नहीं? आपको समझ में आया? है अपनी माँ बाप से बढ़कर, अपनी बेटा बेटी से बढ़कर प्रभु को प्यार नहीं करता वो योग्य नहीं। इवन अपने से जो प्यार करता उससे बढ़कर प्रभु को प्यार करना नहीं तो वो योग्य नहीं। अभी आप देखो, इसका मतलब मेरे जीवन ये ट्रैक में है कि नहीं, मैं एक योग्य जीवन बिताता है कि नहीं। प्रियो, हमें हर एक दिन जीवन की यात्रा में यह बात को परखना ही है। प्रियो, आप अपनी अपनी समझ के सहारे में कभी भी धोखा मत खाना। ये वजन नहीं बदलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द है, आकाश और पृथ्वी ढह जाएगा, है ना। इसको एक अलग प्रकार लूका बोलता है, लूका का बोला हुआ आपको मालूम है, लूका 14 अध्याय का उसका 26-27 वजन। मतलब यहां पर योगी नहीं बोला, वहां पर क्या बोला? देखा, चेला नहीं हो सकता। क्या बोले? एक चेला बन करके देना, चेला नहीं हो सकता, मतलब वो मेरा चेला नहीं बन सकता, वो मेरा चेला बनकर जीने का लायक नहीं। देखा, और आगे, और जो कोई अपना
और मेरे पीछे ना आए, वो ही मेरा चेला नहीं। देखिए वो ही मेरा चेला नहीं, हाँ उसका चेली थ्री। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब प्रियो हमारे जीवन में आप सबको मालूम है, मतलब यीशु मसीह को चेले लोगों ने क्या बोलता था है? यीशु मसीह को चेले लोगों ने बोला हे गुरु और हे प्रभु, बोला था यो ना उसका तेरा अध्याय उसका तेरा वचन। देखिए उन लोग यीशु मसीह को क्या बोलता गुरु और प्रभु, लेकिन प्रभु उनको क्या बोलता उसके आगे, यदि मैंने और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु हो, मैं प्रभु और गुरु हो करके मैं तुम्हारा प्रभु है, तो प्रभु मानना तभी मैं तेरा गुरु बनेगा क्योंकि तुझे मुझसे शिक्षण पाना है। देखा तुम मुझे प्रभु मान करके फिर तुम मुझे गुरु मानना क्योंकि तुम मैं तेरा प्रभु बनकर रहेगा तभी मैं तुझे तेरा शिक्षण देने वाला गुरु बन सकता। ये प्रभु ने उनको उल्टा बोला, समझ में आया? तो सबसे बड़ी बात है प्रियो हमारा आत्मीय जीवन में जो जो बात यहां पर जानना चाहिए अगर हमने नहीं जाना उसके योग्य जीवन नहीं बिताया हमारा अनंत काल में नुकसान है। भी मरने के बाद में हम कुछ भी नहीं कर सकता, मरने के बाद में मन फिरेंगे सोचेगा तो अरे उसको क्षमा देना था तो अभी मैं क्षमा देता हूं, मरने के बाद होगा नहीं, क्षमा मांगना था पर तो मैंने मांगा नहीं अभी मांग लेता हूं होगा नहीं। ये शरीर में जब तक ये सारे बातों के लिए सुविधा है, शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी बात आपको फायदामंद नहीं। इसलिए हमें प्रभु का वचन में लिखा हुआ अनेक बातों को बहुत सीरियसली समझना, इसलिए पूरा कोशिश करता हूं आपको हर एक बात वचन के द्वारा उसको सही प्रकार विभाजित करके आपको सिखाने का कोशिश करता हूं। तो हम लोग क्या सीख रहा था, प्रभु भेजेगा, प्रभु ने भेजा किसको, योगनाथ बपतिस्मा देने वालों को, प्रभु ने भेजा वो व्यक्ति के पास क्या है, वो योगनाथ तीसरा अध्याय का 34 वचन में लिखा है जिसको प्रभु ने भेजा उसके पास क्या है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन है ना। पिता ने पुत्र को भी भेजा तो क्या देकर भेजा, वचन। आपको याद है ना योगनाथ उसका तीसरा का 34 क्या बोलता, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। हाँ परमेश्वर की बातें या परमेश्वर का वचन बोलता है, वचन बोलता है, है? परमेश्वर वो है, परमेश्वर का भेजा हुआ लोगों का चिन्ह 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 है। आज कोई भी प्रभु को भेजा हुआ है तो वो अपना हरेक बातों में वो क्या करेगा मालूम है, वो व्यक्ति एक सच्चा आत्मिक सेवक है। आज के दिनों में जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो एक व्यक्ति में प्रभु के ओर से काम कर रहा है कि नहीं, हम कैसे पहचानेगा, मतलब वजन होगा ही, लेकिन वहां पर जब योगना 16 अध्याय का 14 वजन योगना का सुन, हाँ मेरी महिमा करेगा, क्या करेगा, आज प्रभु का भेजा हुआ जन प्रभु का महिमा करेगा, कैसा करेगा उसको पूरा वचन, मेरी बातों से लेकर के तुम्हें मेरे बोले, तो ये सच्चा आत्मा का सेवक है, इसको आत्मिक सेवकाई कहता है। आत्मिक सेवकाई मतलब अपना ज्ञान का चादरी बांटना नहीं, पियो प्रभु का वचन को उस वचन एकदम बराबर रीति में वो बात को समझाना बहुत बड़ी बात है। अपना संदेश में मैं बहुत बार जो बताता है रेफरेंस पूरा नहीं निकालता है तो भी पूरा वजन ही बोलते जाता हूँ। आज प्रभुदास के साथ हम लोग बात कर रहा था है ना, मतलब आज बहुत लोगों का अवस्था क्या होने वाला है, जेरेमिया 8 अध्याय के 20 वचन, बहुत दिनों के बाद में वो वचन याद आया, प्रभुदास ने मेरे को पूछा तब तुरंत देखा है, समय पार होने के बाद में भी क्या नहीं हुआ, उधार नहीं हुआ। देखा उन्होंने सोचा हो गया होगा पर तो उधार वास्तव में नहीं हुआ। प्रियो कितनी बार समझाया,
मैं आपको बोलता हूँ नया जन्म के बारे में, उद्धार का बारे में मंडली में इतनी बार इतना सरल रूप में समझाया गया, लेकिन अभी भी नहीं समझेगा तो अभी क्या करेगा? उन विश्वासियों का मन को चेतन क्या करता? अंधा करता है, अंधा करता है। प्रयोग अभी यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब प्रभु की ओर से भेजा जाता है तो प्रभु का संदेश उसके हाथ में है, प्रभु का वचन उनके पास है, ये उसका सबूत है। अभी मतलब योगेंद्र बपतिस्मा देने वाले को प्रभु ने विशेष उद्देश्य से भेजा और वो आकर के जो काम करना था जे जिम्मेवारी के बाद तो मैं आपको बता रहा था, आपको कल हमने पढ़ा था कौन सा ऐसा 40 अध्याय, आप वापस उसका 3-4 वचन पढ़ेंगे क्योंकि हमने उसमें से दो ही बात देखा था। हाँ हाँ देखिए वो मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया था, मार्ग तैयार करना या मार्ग मतलब सुधारने का अर्थ मन फिरावट का संदेश देना। क्या था? मन फिरावट का संदेश देना। ये बात हमने कल देखा, आप लोगों ने अपना नोटबुक में लिख दिया, ध्यान किया होगा तो उसमें आपको कुछ लाभ मिला भी होगा। और दूसरा बात क्या था? हाँ देखिए वहां पर निर्जल स्थल में या जंगल में एक राजमार्ग तैयार करो, है राजमार्ग तैयार करो। हमने ये बात को देखा था, राजमार्ग बोलेगा तो उसका अर्थ क्या है? आपको अभी वापस में याद रहने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब अभी जैसा मतलब बात हुआ ऐसा अभी पूरा पिक्चर आपके सामने आ गया। आज हम और आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट। अरे ये सब मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ या प्रभु के आगे आगे भेजा हुआ योगन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति का जिम्मेवारी उम्मीद था। उसी प्रकार हमारी जिम्मेवारी है, वो हमें जानना है, हरेक लोग जानना और उसके अनुसार चलना प्रियो, क्योंकि प्रभु का भेजा हुआ है। प्रभु का भेजा हुआ को उसको बहुत विश्वासियों की रीति में निभाना हमारा कर्तव्य है, उनको प्रभु लेकर जाएगा। अभी उसके आगे थोड़ा पढ़िए सर। हरेक तराई भर दी जाए, इसका मतलब क्या है कि मालूम है, अरे हरेक तराई भर गई है बोलेगा तो वो जो गड्ढा है या ज्यादा है उसको लेवल करना। क्या करना? लेवल करना मतलब कमी को दूर करना। साफ भाषा में बोलेगा तो उसका अर्थ है कमी पूरा करना, कमी नहीं होने देना। समझ में आया? गड्ढा को कवर करो बोलेगा तो जिंदगी का कमी को पूरा करो, है ना, कमी पूरा करना। देखो प्रभु के पास आया हुआ हरेक लोगों को छू छू करके प्रभु हमारे जीवन का कमी बताता, प्रभु जब कमी बताता वो कमी दूर करना हमारे कर्तव्य, वो कमी रह करके नहीं चलना है। हमने कल भी एक एफेसुस मंडली के बारे में एक कमी बोला था है, लेकिन वो रहने दो, आपको मालूम है। लेकिन लूका का सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 22 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति के बारे में प्रभु उसको बोलता है तेरे जीवन में एक घटा है, तेरे जीवन में एक कमी है, तुम वो कमी को पूरा करना है, लेवल करना। अब देखिए आपको सबको मालूम है सरल रूप में मैं आपको बोलेगा तो ये सब पवित्र लोगों का अच्छी तरह मालूम है, इसलिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं, फिर भी आप पढ़िएगा। देखा एक घटा है सर, बाकी सब लेवल हो गया, एक घटा है वो तुझको खतरा है, वो एक गड्ढा भी नहीं रहना, वो एक कमी भी नहीं रहना, वो एक कमी तुझको प्रभु का राज से प्रभु से दूर करेगा। अब देखो इसलिए उसको क्या करना, उसको अभी आपको समझ में आ गया ना। तो वो एक ही गड्ढी वो धनवान का गड्ढी आपको मालूम था, है ना, मतलब वो मूर्ति को हटाना है। हमारे जीवन में जो कमी प्रभु बोलता है अगर वो कमी को कोई बात नहीं, एक ही तो है, बाकी बहुत अच्छा बात है ना, ऐसा मत सोचना। ये अच्छा बात का कवर से ये छोटा कमी है बोल के सोचने वाला बात छुपा नहीं रहेगा। प्रभु का नेत्र कैसा है? आग के समान है। जब इब्रानियों 4 अध्याय का 13 वचन में, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 13 वचन में क्या बोलता? छिपी नहीं, देखिए उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखो खुली है और प्रकट है, हम लोग शायद हमको लगता है कि हम बहुत होशियार है, प्रभु को भी मालूम नहीं,
अपने क्या क्या करता है, ऐसा मत सोचो। ये विचार बहुत बड़ा धोखा देगा। हाँ, आप अपनी पत्नी से या पति से बात छिपा सकता है, अपने माँ बाप से छिपा सकता है, भाई बहन से छिपा सकता है, परंतु प्रभु से नहीं छिपा सकता, प्रभु से नहीं छिपा सकता। वो विचार आप छोड़ दो, हमें उसके साथ कार्य है। इसलिए प्रभु जो बजाता है ध्यान से सुन करके, जो भी कमी है उसको दूर करने की प्रयास में रहना प्रियो, नहीं तो किसी घड़ी में भी मृत्यु आएगा, दुनिया से चले जाएगा, ये कमी लेकर के जाएगा, फिर क्या होगा? आनंद का नुकसान, आनंद का नुकसान। आप देखो अभी भी वो धनवान उधर ही तड़प रहा है, देखा अब्राहम का बेटा था, अच्छा घर में जन्म हुआ है, अच्छा मानव एजुकेशन मिला, अच्छा शिक्षण मिला, लेकिन पालन नहीं किया। देखा एक अच्छा मंडली में जाने से, अच्छा भजन मिलने से हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाएगा? नहीं प्रियो, आप जो सुनने वाला वचन को अपने जीवन में नहीं लाया, आप बहुत भयंकर धोखा खाएगा, है ना। प्रभु का वचन अभी पूर्व समय के वचन से बढ़कर के, पूर्व समय में मोशा और पुरुषोत्तम के द्वारा लिखा हुआ वचन था, आज पुत्र के द्वारा कहा हुआ वचन है। आप मुझे बताओ पुत्र के द्वारा कहा हुआ वचन आप हमारे में सर्व सुसमाचार सुनाना है तो पत्रियों को क्या जरूरत था, सर्व सुसमाचार ही सुनाना है तो पत्रियों को क्या जरूरत था, पत्रियों क्यों लिखा गया? पत्रियों आपका हमारा कमियों को निवार पूरा करने के लिए। पत्रियों में पत्रियों की बात को ज्यादा लोग गौर नहीं देता, मालूम है क्यों नहीं देता? क्योंकि तो सुधारो सुधारो सुधारो, किसको बोला? मंडली को, उधार पाए लोगों को। इसलिए पत्रियों को बहुत गौरव है प्रियो, है तो अपने जीवन में अगर हम सही रीति में नहीं जाना और उसको सही नहीं किया, अभी अभी आपको मालूम है पड़ोसियों का पत्री उसका तीसरा अध्याय का पांच वचन में, ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, किसको बोलता? पड़ोसी, पड़ोसी का पवित्र लोगों के लिए लिखा है, पवित्र लोगों को क्या बोलता? हाँ, अरे अभी तक मार डाला नहीं क्या? अरे डाला है ना, तभी भी कुछ बात जीता है। आप देखो किसको बोला? विश्वासी को, इसका मतलब क्या है? करेक्ट करो, ऐसा कोई बात रह गया तो उसको जीने ना दो, उसको मार डालो, तुरंत उसको कदम करो, नहीं तो वो आपको कदम करेगा। ये बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हरेक बातों में हमें चेतावनी देता है, हरेक बातों में। प्रियो आज हमें प्रभु का दिल के जैसा बन करके चलने के लिए क्या दिक्कत है? प्रभु का दिल का जैसा कैसा बनेगा? प्रभु के दृष्टियों से देखना है ना। अभी मानव शिमी आकर के पथरवा कर रहा है, गाली दे रहा है, बड़े बड़े श्राप दे रहा है, अभिषेक आकर के बोलता है, कौन होता है ये मानव मरे हुए कुत्ता हमारे स्वामी को इतना मानव बात करने के लिए कौन होता है? मैं अभी जाकर उसको करूं, ये बस तलवार है, मेरे पास ताकत है, स्वामी आप बोल। आगे से क्या बोलते मालूम है? हाँ ठीक है, मेरे को एक तो ऐसे भी परेशान है मैं बच्चे से, अब चलो मेरे पीछे लगा हुआ, अभी तो कब मुझे गला काटेगा मालूम नहीं, चलो ये भी मेरे को तकलीफ के ऊपर तकलीफ दे रहा है, गांव को थोड़ा और चोट पहुंचा रहा है, चलो कदर कर दे, ऐसे बोला? हम लोग ये तो बोलेगा, देखा परंतु प्रियो आपको मालूम है ए दाविद बोलता है प्रभु ने कहा, यहोवा ने कहा, उसको जाकर के श्राप दो, देखा वो है मन भरा व्यक्ति का अनुभव। कोई भी प्रतिकूल में आएगा तो भी उसको प्रभु की ओर से जान करके उस बात को क्षमा करने वाला अनुभव, सहने वाला अनुभव, बहुत बड़ी बात है। अभी हमने गीत गाया ना, बहुत बड़े मैं घटू अपन कहा घटा, अभी तक बढ़ते गया घटा कहा, बहुत जरूरी बात है। अपने जीवन में हम गीत गाता है बहुत अच्छा गाता है, जीवन में परीक्षा नहीं। अगली बात मतलब हमारे जीवन में ये बात को देखना है कि हमारा कमी गतियों को दूर करना है। और चारवा बात क्या है थोड़ा आगे पढ़ने से, पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए, ये यहाँ पर नम्रता आया, क्या आया? नम्रता। ये किस बात बोलता है? नम्रता को। हम लोग एक गीत गाता है, नम्रता सेरे नाम, यीशु ने कहा, देखा यीशु ने कहा
और यीशु ने कहा है तो हमें नम्रता से रहना अभी तक सीखा है क्या? अब देखिए नम्रता से रहना, यीशु मसीह ने मत्ती की सुसमाचार 11:29 वचन में कहता है कि मेरा युवा ने कर्मों से सीखो क्योंकि मैं नम्र वर्दीन इसलिए प्रभु अपने चेलों को भी नम्रता सिखाया। प्रियो ये कितना बड़ी बात है आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह का समय पूरा हो गया ये जान करके जब हम देखते हैं कि जब योहन्ना 13:17 तक का बात आपको मालूम कि वो आखिरी प्रभु का एक प्रकार बोलेगा तो मानव फेयरवेल सर्विस है, प्रभु चेलों को आखिरी में समझा करके आखिरी विदा होने का संदेश देने के टाइम पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने आप को और भी नम्र वर्दीन किया है ना। उसका तीसरा 13 उसका 3-4 वचन पढ़ना। आगे भी भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अवस्थ से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तो पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु क्या तुम मेरे पांव धोता है? प्रभु इसे क्या मेरे पांव धोएगा? प्रभु प्रभु बोला है प्रभु, बात मानते नहीं, प्रभु कहते पुकारता है तो प्रभु को कोई भी बात पे सवाल नहीं करना चाहिए, प्रभु जो करता अच्छा करता। लेकिन अभी ये सब भक्त का प्रेम के कारण है। कौन सा प्रेम? फिलियो, इंसानियत, वो प्रेम के कारण वो बोलता है प्रभु तो किसी कारण मेरा पाव नहीं धोएगा। प्रभु ने क्या मारा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। ये तो बात है पतरस, तुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। आगे परंतु इसके बाद समझेगा पतरस ने उसे कहा, मेरे पाव कभी ना धोने पाएगा। कभी नहीं, ऐसा नहीं प्रभु, कुछ भी बोलो आप मेरे पाप नहीं धो पाएगा, क्योंकि प्रभु आप मेरे प्रभु है ना, आपका मैं चेला है, आप किसी कारण नहीं धोएगा। तब प्रभु ने एक और बात कहा, यदि मैं तुझे ना दो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। देखा, यदि प्रभु हमें नहीं धोता है तो प्रभु के साथ हमारा कोई संगति नहीं, कोई सौभाग्य नहीं। तब प्रभु क्या बोलता? ऐसा है तो फिर पाव नहीं, हाथ और सिर भी धो दे, पूरा धो ले, पूरा धो ले। प्रभु ने क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, देखा जो नहा चुका है उसे पाव के सिवाय और कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। परंतु सबके सब नहीं, सबके सब क्यों नहीं? इसके लिए बताइए था नहीं समझा, सबके सब क्यों नहीं? क्योंकि एक एक नहीं है, एक नहीं। अभी आप देखो युद्ध ने कभी भी यीशु को प्रभु करके कभी नहीं बोला। और दूसरी बात, मानो प्रभु बोलता है तुम लोग सब नहला चुका है, तुम लोग सब नहला चुका है, अभी तुम्हारा पाप धोना काफी है। इसका अर्थ क्या? पाप किसको बताता? पाप किसको बताता? चार चरण। हमारे जिंदगी में आने वाला गलतियां रोज हमें प्रभु से धोया जाने की जरूरत है। एक बार बपतिस्मा लिया काफी हो गया, बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन धोया जाने की जरूरत है। क्योंकि हम ये दुनिया में रहता है इसलिए हमारे जिंदगी में हमारे कई कामों में गलतियां होता है, वो धोया जाना, वो प्रभु धोएगा। कैसे धोएगा? वजन के द्वारा, वजन ड्यू भी जनरेशन से। अभी यहां पर बैठने के टाइम पर भी जिसका जीवन में भी कमी घटी है
प्रभु ये वचन के द्वारा क्या करता होता है ना, एफेसियों का पत्री में वही पढ़ता ना, पांच अध्याय का कौन सा 26-27 में होगा, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, देखा वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा प्रभु शुद्ध करता है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह आज भी, यीशु मसीह बोलेगा तो वचन, वचन बोलेगा तो यीशु मसीह, आज भी वो धोता है, वचन भेज कर धोता है। कितना अनमोल बात है। इसलिए यहां पर प्रभु का वचन गाता है, हमें भी वो नम्र रहना है प्रियो, हमारे जीवन में घमंड नहीं होना, घमंडी नहीं बनना। मेरे जीवन में किसी बात में मैं घमंड करता है क्या? प्रभु घमंडियों का सामना करता है ना, नम्र लोगों पर अनुग्रह देता है, हम प्रभु के आगमन का निकटता में है। ऐसे है तो हमारे जीवन में इस विषय के एक गवाही होना चाहिए। प्रयोग हरेक लोगों के प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलिपियों 4:5 हमेशा याद रख करके वैसा बेचने की प्रयास करना। फिलिपियों 4:5 प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। बोलने का मतलब हमारे जीवन में प्रभु आने वाला है, प्रभु इतना निकट है तो हमारा कोमलता, हमारे जीवन का नम्रता, हमारे जीवन का मतलब क्या बोलता है कोमलता है, मतलब नम्र और दीन, दीनता, ये सब हमें प्रकट करके जीवन बिताए। तो यहाँ पर मतलब बपतिस्मा देने वाला योहन्ना का जीवन में उन्होंने ये सारे काम लोगों के जीवन में किया। और पांचवी बात हम देखता है, पांचवी बात क्या है, जो टेढ़ा है वो सीधा, देखा टेढ़ा को सीधा करना बड़ा मुश्किल की काम है, टेढ़ा ना होगा सीधा करना। प्रियो ये भी हमारे लिए बहुत भारी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ये टेढ़ा है तो उसको सीधा करो। प्रभु का मार्ग सीधा है, प्रभु का मार्ग सीधा है, तो हमें टेढ़ा मार्ग, ये हमारे जीवन में टेढ़ा मार्ग क्या करता, हमारा शांति को तोड़ देता। आज लोग टेढ़ा जीवन में जाने के कारण लोगों के जीवन में क्या नहीं, शांति नहीं। अर्थ प्रियो हम सीधा चाल चलते हुए उन्हें भी शांति प्रदान करने वाला बनना चाहिए। आपको सबको याद है मत्ती के 5:9 पति 5:9 देखिए, हमें मेल करवाने का सेवा दिया है और मेल कराना है प्रियो, गलत मार्गों में चलने वालों को सीधा मार्ग दिखाना, सीधा मार्ग पर चलने वालों को ही वास्तव में शांति मिलता है, शांति रहता है ना, बहुत बड़ी बात है। अपने को जब 119 का 130 वजन, 119 का 130 वजन, कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है प्रियो। कोई भी प्रकार का कमी या गलत बात हमारे में रहेगा तो प्रभु का वजन की रोशनी में प्रभु हमें वो बात बताता है। आपको मैं बताता हूँ, पहले पहले वजन सुनने के टाइम पर कई लोग सुनते सुनते रोता था, क्योंकि तो उनको उनका पाप दिखता था और वो रोते थे। आजकल क्या है, आजकल लोगों को सब पाप एक तमाशा है, उनको इस बात का कोई सीरियसनेस नहीं, कितना दुखदायी बात है। पाप को बहुत हल्का समझने वाले लोग, उनके दिल में वास्तव में सच्चा शांति नहीं रहता, प्रभु उनके साथ बात करना ही बंद कर देता है। आज हमें परखना है मेरा मार्ग सीधा मार्ग है क्या, एक सच्चा सीधा मार्ग में मेरे जीवन है क्या, ये बात को हमें मार कर देखना। मार्ग यीशु मसीह है, यीशु मसीह को छोड़ करके कोई भी मार्ग में चलता है वो सीधा मार्ग नहीं। छठवीं बात जब हम देखता है, जो ऊंचा नीचा है वो जबरदस्त किया जाए, इसका मतलब क्या है कि किसी प्रकार का भी ठोकर बनने का कारण नहीं बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। ठोकरों से बच कर रहना आत्मीय जीवन में, कई प्रकार कई लोगों का जीवन कई साधारण या मान नया विश्वासियों के लिए ठोकर बन जाता,
प्रयोग हमारे जीवन में ठोकर बनने नहीं देना, ठोकर बनने नहीं देना। जब यीशु मसीह ने बोला मत्ती 18 अध्याय उसका 7 वचन, मत्ती 18 अध्याय का 7 वचन, कभी भी हमारे जीवन किसी प्रकार भी किसी के लिए भी ठोकर लगने नहीं देना। मैंने आपको बहुत से बात समझाया इससे पहले भी, है ना, मतलब अपने जीवन में हम लोग हर एक काम करने के समय में उसका एक दृष्टांत यहां पर वचन में दिया है, फलक वृद्धि 8 अध्याय उसका 10-11 वचन पढ़ना, मतलब एक अच्छा एक दृष्टांत है। हमारी वो एक अच्छा बुढ़ा कर कहा है, बलि का अर्थ क्या है, अभी आपको आप पक्का विश्वासी है, आपको मालूम है कोई मूर्ति नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, कोई भी कहीं भी बोलेगा कहीं भी बैठ कर कहा सकता है, उसमें आपको कोई असर नहीं पड़ता। और जो एक नया विश्वास वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा, वो उधर बैठ करके वो मूर्ति पूजा का प्रसाद खा रहा है, क्या कर रहा है, वो ये नहीं सोचेगा खाना खा रहा है, वो बोलेगा ये प्रसाद खाया। देखा, वो एक नया विश्वासी के लिए टॉकर बन गया, क्योंकि उसने जो किया वो प्रसाद नहीं खाया, खाना ही खाया, और उसको मालूम है इसमें कोई वादा नहीं। लेकिन एक नया विश्वासी के लिए वो टॉकर, क्योंकि वो बोलेगा क्या खाया, प्रसाद खाया, प्रसाद खाया, तो फिर वो सोचेगा मैं भी प्रसाद खा लेता हूं, क्या कमी मेरे बात है, पर जो उसके लिए बड़ा पावर बनेगा। मैं इसी कारण आपको बताया, अभी भी हमें चेंज भी लेना है तो पैसा चेंज करना है, सामान लेने के लिए गया, अभी उन्होंने बोला देखो सामने वो शराब दुकान है उधर मिलेगा, अपन सीधा उनकी बात सुनकर गुजरी गया, अपन गया हमने कोई गलत नहीं किया, उधर से सिर्फ चेंज ही लिया, वो चेंज दिया, चेंज देते हुए एक नया विश्वासी देख लिया। नया विश्वासी क्या बोलेगा, अरे हमने देखा था वो बहुत बड़ा अपने आप को भक्त बोलता है, लेकिन शराब पी करके बाहर से बाहर के पैसा लेते हुए मैंने देखा, देखो गवाही कहाँ गया। अभी वो बोलेगा यार मैं चेंज लेने के लिए गया था, बोलेगा तुम्हें मारेगा नहीं, और फिर भी बोलेगा वो चलने के टाइम पर भी देख रहा था वो बैलेंस नहीं टिक रहा था, वो क्या क्या जोड़ेगा, क्योंकि वो आधा भी पीढ़ी का स्वभाव रहता ना, कुछ ना कुछ उसमें मिर्च डाल करके आखिर में वो विश्वासी को भी गिरा देगा। देखा, क्योंकि हमारा ना समझ, हमारा ना समझ, इसलिए मैं बोला बस पढ़ने के लिए आजकल जरूरत नहीं पड़ता इतना, क्योंकि बस कोई ना कोई टू व्हीलर तो रहता ही है, और तो फिर भी कभी कभी बस पढ़ना पड़ता है। प्रियो उधर देखना कहीं सिनेमा शाला नष्ट है क्या, सिनेमा शाला नष्ट ये तो लोग बोलेगा हमने देखा था वो सिनेमा देख करके आते हुए, जबकि बस स्टैंड पर खड़ा था, बस स्टैंड पर खड़ा था, लेकिन बोलेगा वो सिनेमा देख कर आते हुए हमने देखा, और सिगरेट पीने वालों के पास खड़ा नहीं होना, सिगरेट पीने वालों के पास खड़ा होगा तो वो दुआ छोड़ेगा, आप पास खड़ा था, ओ नया विश्वासी बोलेगा उसकी मुंह से दुआ निकलते हुए मैंने देखा, पड़ोसी उधर कड़े भी व्यक्ति ने पिया पर तो दोष आपके ऊपर आएगा, ऐसे कोई पीते भी देखते ना भाग जा रहा उधर से। प्रियो कैसा टॉकर नहीं मिलेगा, बहुत खतरा है प्रियो, देखिए हम प्रभु के उपस्थिति में गलती नहीं किया, लेकिन एक नया विश्वासी के लिए हमारा ज्ञान रहित काम टॉकर बन सकता है। प्रभु भजन बोलता है तुम दूसरे के लिए टॉकर ना बनो, दूसरे के लिए टॉकर ना बनो। आपको मालूम है जब मत्ती उसका 11 अध्याय का 6 वचन में जब योहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी चेलों को भेज करके पूछा आने वाला तू है या हम और किसी का इंतजार करूं, तब प्रभु है उधर इकट्ठा हुआ लोगों को बोलने वाला एक शब्द है जो धन्य है वे जो मेरे कारण टोकर ना खाए, टोकर ना खाए, प्रभु के कारण टोकर ना खाए, बहुत ही बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु में बना रहना, कोई टोकर का विषय हम नहीं बनना, ऐसा बनेगा तो ठोकर, अगर आप बोलेगा
अरे मैंने तो ऐसे किया नहीं, किया तो नहीं है, कभी भी ठोकरा बना, ठोकर बना तो अच्छा नहीं, इवन ठोकर किराना भी अच्छा नहीं। अरे आपको मान में गिराती हूँ 5 अध्याय उसका 10 वचन, गिराती हूँ 5 अध्याय के 10 वचन। कोई भी क्यों ना हो दंड पाएगा। देखा, बोले का मतलब तुझे तेरे आत्मीय जीवन में किसी प्रकार भी ठोकर खिलाने वाला दंड पाएगा, दंड पाएगा। एक भयंकर चेतावनी है, दंड पाएगा। वही एक प्रयोग भरा तुमोती 5 अध्याय का 10 वचन में, 10 नहीं 12 वचन में, 12 वचन देखना। कौन सा वचन? 12 विश्वास को त्यागने वाला या बड़ा विश्वास से गिर जाने वाला प्रयोग। हमारे आत्मीय जीवन में हमारे विश्वास को परखते रहना, रोज परखना है। मेरे आत्मीय जीवन में कहीं विश्वास में कमजोर तो नहीं हुआ, मैं विश्वास की कदम को बढ़ा पा रहा है कि नहीं। जब हम विश्वास से नहीं चलता तो हमारे कोई भी बातों में प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिता सकता है ना। हर एक बातों में हमें विश्वास है। आज यहां पर आया विश्वास से आया कि नहीं है, और हम यहां से जाने के टाइम पर उसका यह इफेक्ट पड़ेगा। जो विश्वास से आया प्रभु से बात जरूर कर देता है, परंतु एक होटल का जीवन मिलाने वाला उससे प्रभु बात नहीं करता, प्रभु बात नहीं करता। प्रभु का सत्य वचन उसको सुन करके उसको अनुसार चलने का एक बहुत बड़ा एक भूख प्यास हमारे अंदर चाहिए। आज बहुत लोग वजन को क्यों नहीं समझ पाता मालूम है? ऐसा वजनों को बार बार पढ़ने में मुझे आनंद है, क्योंकि योगना 7 अध्याय का 17 वजन, ये वजन क्या है? ये वजन हमारा बहुत खास वजन है। ये वजन देखा, यदि कोई आज भी यहाँ पर आने के समय में कितने दिल में, कितने लोगों के दिल में ये इच्छा था कि मैं प्रभु में तेरी इच्छा में चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी इच्छा जान करके तेरी उस इच्छा के अनुसार जीने के लिए मैं तैयार हूँ। कितने लोगों के दिल में उस प्यास के साथ यहाँ पर आया भी हूँ, वो लोगों को देखो। बोलने का अर्थ प्रभु की वजन को सिर्फ वही लोग जान पाएगा जो लोग प्रभु की इच्छा मान करके चलने के लिए तैयार है। यह है उसका समचित्त में उसका अर्थ। समझ में आया? प्रियो आज भी बहुत लोग ये वजन कोई ऐसा कोई मतलब समझने की कोई दिक्कत है ऐसा बात नहीं है। नया जन्म पाया हुआ हर एक लोगों को सरल रूप में समझ सकता है, बहुत सिंपल है। लेकिन उनका दिल में ये वजन जब आएगा, मैं उस वजन के अनुसार प्रभु की इच्छा मुझे मालूम पड़ने के बाद मैं उस इच्छा में बना रहकर जीऊंगा। मैं कभी भी एक मसीह जीवन, एक मन फरावट का सच्चा अर्थ या सूर्य लेकर चलने का सच्चा अर्थ क्या है? प्रभु तेरा इच्छा मेरी इच्छा, उसको बोलता है सूर्य लेकर चलना, उसको बोलता है मन फरावट। रोज मन फिरना है, रोज अपना इच्छा को इनकारना, प्रभु की इच्छा को स्वीकारना। ओ कितना सुंदर है, सच में कितना श्रेष्ठ जीवन है। तो अभी योहन्ना का बात खत्म हो गया, समय भी खत्म हो गया। अभी दूसरा व्यक्ति का बात प्रभु की इच्छा है कल बताएंगे, चलेगा? क्योंकि समय अतिक्रम हो जाएगा। ओके, प्रभु को धन्यवाद। प्रियो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान करना, और कोई भी प्रकार का बीच में भी किसी को कोई सवाल उठता है तो पूछना, सबके लिए आशीष हो जाएगा। पूरा छूट है, क्लास है ना, ये क्लास है, बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। जो समझ में नहीं आया या उसके बीच में कोई सवाल भी है तो पूछना, वो भी हमारा सबके लिए मनन के लिए अच्छी बात है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।